सुनिए भगवत गीता कारवा 2.0 पर। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उसके बाद वो विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा, विष्णु जी मानवता की रचना तो हो गई किंतु उसमें वाणी नहीं है, तो क्या करें? तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना तो आपने की है तो उसमें वाणी भी आप ही को देनी होगी और प्रेम भी आप ही को जागृत करना होगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, फिर पता है क्या हुआ? तो क्या हुआ मम्मा? फिर उसमें से एक शक्ति का रूप निकला जिनकी दोनों हाथों में वीणा, विद्या, पुस्तक और माला थी। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देवी आपने सरस्वती का रूप धारण किया है इसलिए आज से आप सरस्वती जी हैं, और क्योंकि आप विद्या, ज्ञान और स्वर की देवी हैं इसलिए आप सारे संसार में वाणी भर दीजिए। ये सुनते ही सरस्वती जी ने अपनी वीणा बजाई और सारे संसार में वाणी भर दी। फिर विष्णु जी ने सरस्वती जी से कहा कि आज से जो भी मनुष्य सरस्वती जी की पूजा करेगा उसे ज्ञान, बुद्धि और स्वर की प्राप्ति होगी और आपको वीणा धारिणी सरस्वती माँ के रूप में जाना जाएगा, और कहा कि आज के दिन को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाएगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने सरस्वती जी को अपनी अपनी शक्तियाँ दी। आप समझ में आया सरस्वती माँ की पूजा हम क्यों करते हैं? हाँ मामा। तो चलो अब पूजा के लिए जल्दी से तैयार हो जाए। तो जाओ। ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी है माँ सरस्वती। श्वेत कपड़ों में एकदम उज्जवल इनका वाहन हंस है और इनके हाथों में वीणा, वेद, कमल और माला होती है। दुर्गा के 9 अवतारों में से बेहद अहम अवतार सरस्वती माँ का ही माना जाता है। माना जाता है 9 रात्रों में कई लोग सरस्वती माँ की पूजा द्वितीय की तिथि में करते हैं और कई लोग पंचमी से नवमी तक माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जिसमें पंचमी को सरस्वती घट स्थापना की जाती है और नवमी के दिन सरस्वती विसर्जन किया जाता है। लेकिन सरस्वती माता की असली पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि माता सरस्वती जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सृष्टि जीवित हुई थी और एक स्वर गुंजयमान हुआ था, जिसके बाद ये सृष्टि अपने इस रूप में आई और इस उद्देश्य से ब्रह्मा ने माँ सरस्वती की रचना की थी। जिस तरह हम एक नए जन्मे बच्चे की खुशियाँ मनाते हैं उसी तरह मौसम की इस शुरुआत को भी हिंदू परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये दिन तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस दिन के साथ जुड़ता है सरस्वती पूजा का योग। जिसके भी मन में ज्ञान की इच्छा है वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अंधकार में जीवन से इंसान को सही राह पे ले जाना माँ सरस्वती के आशीर्वाद से संभव हो जाता है। सरस्वती माता कमल पर बैठती हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और बिना दाग के रहता है, वैसे ही माँ अपने बच्चों को ये सिखाती हैं कि कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, अगर अपने चित्त पर नियंत्रण रख अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो कीचड़ में भी आपको सफलता ही प्राप्त होगी। ये उत्सव या पूजा माघ महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को की जाती है। ये पर्व वास्तव में ऋतुराज बसंत की आगमन की सूचना देता है। इस दिन से खुशियों का माहौल पैदा होता है, खेतों की हरियाली और पेड़ पौधों की महक और महिलाओं में सौंदर्य का प्रतीक होता है बसंत पंचमी का ये त्योहार।